सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने मोबाइल देख रहे हैं, इसका एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 है और ये मोबाइल जो है मेडिकल बॉक्स और यूएमडी डोंगल में जो है सपोर्ट अभी नहीं है और मुझे मजबूरन इस मोबाइल को हाथ से बाईपास करना पड़ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक और FRP लॉक दोनों है। आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टूल बैग आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है एल बनाएंगे, एल बनाने के बाद यहाँ पे आपको टूल बैग सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है। और सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। और जैसे सबसे ऊपर वाले आप क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ आपको YouTube का जो है ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। और इस पर क्लिक करने के बाद चलिए फिर से एक बार आपको यहाँ पे ट्राई करना है शेयर के बटन पर। और जैसे यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है YouTube पर जाने के लिए, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली YouTube पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे की ओर जो है स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बीच वाले में आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक टाइप करना है www.google.com, यहाँ पे आपको ये टाइप करना है, यानी डायरेक्ट आपको जो है गूगल पर जाना है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, एक APK डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन के जरिए से आप जो है मोबाइल के अंदर में जो है मोबाइल के अंदर में इन कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर में जा करके जो है आप इसका FRP बाईपास कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है www.google.com, आप यहाँ पे देख रहे नीचे में लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है L, उसके बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है आपको लॉन्चर। तो एल लॉन्चर APK आपको जो है डाउनलोड करना है इस मोबाइल के अंदर में और इस एप्लीकेशन के जरिए से आप जो है मोबाइल के अंदर में जा सकते हैं। और मोबाइल के अंदर में जाने के बाद फिर आपको वहां पे एक और एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करना होगा और मोबाइल के अंदर में इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये एल लॉन्चर मैंने लिखा है, उसके बाद यहां पे जो शो कर रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और डाउनलोड पे हम यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन फिर मिलेगा और उसके बाद फिर आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसे ओपन करेंगे आप, ये आपको इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसे आप, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसमें ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जैसे ओपन पे हमने क्लिक किया, हम डायरेक्टली जो मोबाइल के अंदर में आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको टूल बैग सेटिंग को जो है बंद करने के लिए, क्योंकि इनेबल है इसे डिसेबल करने के लिए, आपको यहाँ सेटिंग में जाना है और टूल बैग ऑप्शन को जो है आपको जो है डिसेबल कर देना है, क्योंकि टूल बैग ऑप्शन अगर आपका इनेबल रहेगा तो आपको ये काम करने में प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए हम इसको डिसेबल कर दिए हैं। उसके बाद चलिए हम बैक आते हैं। उसके बाद आपको गूगल क्रोम का यूज़ करना है, गूगल क्रोम का यूज़ करके आपको जो गूगल पर फिर से जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्विक शॉर्टकट मैकर 4.4.1। तो ये APK आपको जो है डाउनलोड करना होगा मोबाइल के अंदर में, तभी जो है आप इस मोबाइल का बाईपास कर सकेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया क्विक शॉर्टकट मैकर 4.4.1। तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करना है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड आसानी से हो रहा है। उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। तो गूगल अकाउंट मैनेजर जब आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ईमेल और पासवर्ड, फिर से आपको मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे टाइप ईमेल और पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार यहाँ पे आपको उंगली से क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कोई भी अपना एक अलग कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड, जो भी आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड है, किसी ईमेल आईडी पासवर्ड से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड ये अगर आपका एक्सेप्ट करेगा तो आप जो है आसानी से इस मोबाइल का जो है बाईपास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल रहे हैं सलमान हैदर के नाम से, और इस ईमेल आईडी को डालने के बाद हम इसमें जो है पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के दिखा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है हमने ईमेल आईडी डाल दिया है, उसके पासवर्ड से हम इसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये ईमेल आईडी पासवर्ड हमारा ये एक्सेप्ट करता है तो 100% इस मोबाइल का जो है बाईपास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पर साइन इन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पासवर्ड जो है एक्सेप्ट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे मोबाइल के अंदर में अभी बैक करके आपको दिखाएंगे कि ये जो ईमेल आईडी पासवर्ड हम डाले हैं इसमें अभी, तो ये ईमेल आईडी पासवर्ड ये एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसके डिवाइस में एक्सेप्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी हम सेटिंग में जाकर के दिखाएंगे। चलिए हम आपको बैक करके यहाँ पे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने अभी यहाँ पे डाला और वो ईमेल आईडी पासवर्ड जो है ये लिया है कि नहीं लिया है, तो इसके सेटिंग में हमें जाना होगा दोबारा। चलिए हम सेटिंग में जाकर के आपको दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर देख लें।
कि सेटिंग पे हमने क्लिक किया, उसके बाद अकाउंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो ईमेल आईडी पासवर्ड अभी हमने यहाँ पे दिया था आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब है ये जो है एक्सेप्ट कर चुका है डिवाइस, अब इस मोबाइल का जो बाईपास हो चुका है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है, और मोबाइल को ऑफ करने के बाद मोबाइल का आप जो है आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।